Hello students, today our topic is polyhydraminoes. तो polyhydraminoes हम पढ़ेंगे, इसको hydraminoes भी बोलते हैं. तो ये एक ऐसी स्टेट है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले. It is defined as a state where liver MD exceed by 2000 ml. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो amniotic fluid है उसको 2000 ml से ज्यादा हो जाता है. तो एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड के एक्युमुलेशन के कारण जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो काफी डिस्कम्फर्ट महसूस करती है. ठीक है, उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है. तो सोनोग्राफिकल डायग्नोसिस करके हम इसका पता लगाते हैं कि जो पॉलीहाइड्रामिनोज है उसकी कितनी सीवियरिटी है. तो हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि जो पॉलीहाइड्रामिनोज है उसकी कितनी सीवियरिटी है. तो जो मोर देन इसमें जो फाइंडिंग हम आई है हमारी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मोर देन 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होता है तो वो कंडीशन पॉलीहाइड्रामिनोज कहलाती है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो कंडीशन ओलिगोहाइड्रामिनोज कहलाती है. वो हम आगे पढ़ेंगे. तो जो मोर देन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो उसको हम पॉलीहाइड्रामिनोज बोलते हैं. अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैसे देखते हैं कि जो यूट्रस होता है, जैसे कि यूट्रस है उसको फोर पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाई सोनोग्राफी की हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो यूट्रस को फोर पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो इन पार्ट के थ्रू ये देखा जाता है कि उनमें कितना एमनियोटिक फ्लूइड है. ठीक है, तो एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट में बांट के हम ये देखते हैं. ठीक है, तो उसके बाद में क्या करते हैं कि जो अलग अलग क्वाड्रेंट है, पहले अलग अलग क्वाड्रेंट है उनको अलग अलग देख के उनका फिर सम किया जाता है, तो हम ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम निकालते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 5 to 9 माना जाता है कि 5 to 8 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रेंज होती है एमनियोटिक फ्लूइड की. और सीवियरिटी अगर कैसे देखते हैं हम कि सीवियरिटी जो इसकी है वो माइल्ड हाइड्रामिनोज है. तो माइल्ड हाइड्रामिनोज में 8 to 11 सेंटीमीटर हमको अगर ये हमको मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो उसको माइल्ड पॉलीहाइड्रामिनोज बोलते हैं. और मॉडरेट पॉलीहाइड्रामिनोज 12 से 15 सेंटीमीटर अगर हमको मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 12 से 15 जो सेंटीमीटर जो इसकी रेंज होती है, तो वो मॉडरेट हाइड्रामिनोज होता है. और सीवियर हाइड्रामिनोज वो होता है जिसमें कि 16 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हमको रेंज मिले तो वो कंडीशन सीवियर हाइड्रामिनोज की होती है. ठीक है, अब इसकी इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में 0.4 to 1.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज में ये कंडीशन होती है. ठीक है, और जो पॉलीहाइड्रामिनोज के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो मेनली अगर 1000 प्रेगनेंसी है तो उसमें किसी एक वुमेन में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, इटियोलॉजी किन किन वजह से पॉलीहाइड्रामिनोज होता है. तो सबसे पहले मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक तो दो फीटस होंगे तो उनका यूरिन पास भी वो ज्यादा करेंगे. ठीक है, और दूसरा उनमें प्लेसेंटा भी या तो बड़ी साइज की होगी या फिर अलग अलग प्लेसेंटा होगी, तो प्लेसेंटा क्या करेगी, फ्लूइड का फॉर्मेशन ज्यादा करेगी. ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट इटियोलॉजी है कोरियो एंजियोमा ये टोमन की वजह से भी प्लेसेंटा फ्लूइड का सिक्रीशन ज्यादा करती है. ठीक है,
और मेटरनल और अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? जैसे मेटरनल कॉम्प्लिकेशन में आएंगे जैसे डायबिटीज, अगर मदर को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मेनली 30% ऐसे केसेस हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड होते हैं पॉलीहाइड्रेटोज के। तो उसमें क्या होता है कि जो मदर का ब्लड शुगर हाई रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से फीटस का भी ब्लड शुगर हाई रहेगा, तो फीटस में डायूरिसिस की कंडीशन होती है। तो डायूरिसिस के कारण फीटस एक्स्ट्रा यूरिन पास करता है तो हाइड्रामिनोज होता है, ठीक है। सेकेंड है कार्डियक या फिर रिनल डिजीज, अगर मदर में कार्डियक या रिनल डिजीज है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये डिजीज क्या करते हैं, प्लेसेंटा में इडिमा कोज करती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा में इडिमा की वजह से प्लेसेंटा फ्लूइड का सिक्रीशन ज्यादा करती है, ठीक है। अब कुछ फीटल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं जैसे कि इसोफेजियल या ड्यूओडेनल एट्रेसिया। तो इसोफेजियल या ड्यूओडेनल एट्रेसिया के कारण फीटस जो होता है वो अम्योनिटी फ्लूइड को ड्रिंक करने में इनकेपेबल होता है, वो ड्रिंक नहीं कर पाता है, तो उस वजह से वो जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो ज़्यादा रहेगा, तो क्योंकि फ्लूइड उसको बच्चा उसको पी नहीं पा रहा है इम्यूनिटी फ्लूइड, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि इन सब कंडीशन के कारण बच्चे में क्या होता है, जो स्वेलिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, स्वेलिंग नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। और उसके अलावा जो फीटस का फेशियल क्लेफ्ट है, फेशियल क्लेफ्ट की कंडीशन है, या फिर नेक मास है, नेक में मासेस है, तो उसकी वजह से भी फीटस स्वेलिंग नहीं कर पाता है इम्यूनिटी फ्लूइड को। इसके अलावा एक कंडीशन होती है एनेंसेफेली, अगर बच्चे में एनेंसेफेली है तो क्या होता है कि जो हाइड्रामिनोज होता है वो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है लिक्विड एमिनिन का। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होने जाता है लिक्विड एमिनिन का, क्योंकि जो मेनिन्जस है, जो मेनिन्जस है वो ओपन रहती है इसमें, तो जो एनेंसेफेली है उसमें क्या होता है कि जो मेनिन्जस है वो उसके एक्सपोजर के कारण वो एक्सपोज रहती है मेनिन्जस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी सिक्रीशन बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉज होता है इसमें फ्लूइड ज़्यादा बनने का कि जो फीटस के स्वॉलिंग रिफ्लेक्स है उनका एब्सेंस होना, ठीक है। तो स्वॉलिंग हो सकता है फीटस के स्वॉलिंग रिफ्लेक्स एब्सेंस हो, ठीक है। और इसमें तीसरा हो सकता है एनेंसेफेली में कि जो फीटस के जो एंटी डायबिटिक्स हार्मोन हैं उनमें उनका सप्रेशन हो, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक्स हार्मोन के सप्रेशन के कारण फीटस एक्सेसिव यूरिनेशन करेगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज टू टाइप्स होते हैं इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट देखते हैं पहले, एक्यूट में क्या होता है कि ये कंडीशन क्या होती है हाइड्रामिनोज की एकदम से आती है, ठीक है, विद इन फ्यू डेज ये कंडीशन अक्कर होती है और 4 से 5 दिन में ये सीवियर कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो जिफी स्टर्नम तक आ जाता है वुमेन का विद इन 3 to 4 days, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मेनली ट्वाइम्स जो होते हैं और ओरियो एंजियोमास जो होते हैं ये ऐसी कंडीशन में ये मिली होता है एक्यूट हाइड्रामिनोज, ठीक है। इसके सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स देखते हैं इसके एक्यूट के, तो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है या नोजिया वोमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आते हैं। और साइन जो होता है वो पेशेंट हमको थोड़ी लुक दिखाई देती है, एब्डोमन उसका थोड़ा लार्ज दिखाई देगा, ठीक है, इन दिखाई देगी पेशेंट, ठीक है। और लेग्स में इडिमा होगा, ठीक है, पेशेंट के लेग्स में इडिमा होगा और जो फीटल पार्ट है वो पाल्पेबल इजीली नहीं होंगे, वो थोड़े हार्डली पाल्पेबल होंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा फीटल पार्ट्स को, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एक्यूट का कि जो डिस्ट्रेस पड़ रहा है मदर के लंग्स पे, क्योंकि
यूट्रस जो है जिसमें स्टर्नम तक आ रहा है तो लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम डीकम्प्रेशन करते हैं, ठीक है। तो डीकम्प्रेशन में क्या होता है कि एब्डोमिनल एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, तो जो एम्नियो टिश्यू होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड किया जाता है, एक बार में सारा एम्नियो टिश्यू नहीं निकालते, ये रिपीटेड किया जाता है, ठीक है। तो रिपीटेड एब्डोमिनल एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांस सर्वाइकली कैथेटर एस्पिरेशन के थ्रू भी किया जाता है और ट्रांस एब्डोमिनल पंचर के थ्रू भी ये किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब देखते हैं क्रोनिक पॉलीहाइड्रामनियोज, ठीक है। तो क्रोनिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, ठीक है, धीरे धीरे इसमें बढ़ता है और 30 वीक के आसपास में ये बहुत सीवियर कंडीशन में देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इम्यूनिटी फ्लूड रहता है वो नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब 2000 ml से भी ज़्यादा हो सकता है इम्यूनिटी फ्लूड, ठीक है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करती है, ठीक है। और इम्यूनिटी फ्लूड मतलब लंबे टाइम तक क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा है, धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रोनिक के साइन सिम्टम्स क्या होंगे कि पेशेंट को डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, और थ्रोपनिया होगा, इडिमा होगा, लेग्स में इडिमा होगा, प्रीएक्लेम्प्सिया होगा, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। और एब्डोमिनल गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो यूरिन आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, हेमरॉइड्स की कंडीशन हो सकती है पेशेंट में, और जो वेरिकोसाइटिस इन लेग्स, तो प्रेशर पड़ रहा है तो लेग्स पे भी प्रेशर हो रहा है तो वेरिकोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। और वेरिकोसाइटिस बल्बा पे भी हो सकता है, ठीक है। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं हम, ठीक है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या दिखता है कि एक इमेज दिखाऊंगी मैं आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या होता है एब्डोमिन जो कैसे अपीयर होता है, हम एब्डोमिन को देख रहे हैं तो एब्डोमिन काफी टेंस फील होता है, मतलब टेंस दिखाई देता है, बहुत भरा भरा दिखाई देगा, ठीक है। और शाइनी दिखाई देगा, तो स्ट्रिया है, स्ट्रिया ग्रेविटा जो होती है वो लार्ज दिखाई देती है, बहुत शाइनी दिखाई देती है, ठीक है। बहुत व्हाइट कलर का मार्क्स दिखाई देते हैं एब्डोमिन के दोनों साइड के, और एब्डोमिन जो है वो लार्ज और ग्लोबुलर और ग्लोबुलर शेप का दिखाई देता है, ठीक है। और फुलनेस एट द फ्लैंक्स, फ्लैंक्स एरिया है वहां से फुलनेस दिखाई देती है एब्डोमिन में, ठीक है। और एब्डोमिन का यूट्रस का जो हाइट है वो भी बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाता है यूट्रस, ठीक है। और एब्डोमिनल गर्थ है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और फीटल पार्ट जो है वो हार्डली पाल्पेबल होते हैं, और फीटल हार्ट साउंड है वो भी हमको हार्डली सुनाई देती है, ठीक है, या फिर कई बार इनकरेक्ट भी सुनाई देती है। अब इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। सोनोग्राफी में तो हमको पता चलेगा, और सोनोग्राफी में हम एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमको पता चल सकता है कि क्वाइन प्रेगनेंसी है या फिर कैसे प्रेगनेंसी है, या फिर प्लेसेंटा का कोई कोज है तो वो हमको दिख सकता है, ठीक है। और फीटस की प्रेजेंटेशन क्या है, लाइन क्या है, तो वो भी हमको पता चल जाएगी, ठीक है। या फिर और कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है तो वो भी हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी, ठीक है। और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि ABORs ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर शुगर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, तो इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, मैटरनल एंड फीटल। तो सबसे पहले मैटरनल यूरिन प्रेगनेंसी, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे प्रीएक्लेम्प्सिया, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन, प्रीएक्लेम्प्सिया, माल प्रेजेंटेशन, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या फिर प्रीटर्म लेबर या एक्सीडेंटल हेमरेज, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान हमको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फीटस है वो मतलब
ज्यादा फूल होने के कारण फीटस में इसमें रोटेट कर सकता है, ठीक है, बार बार उसमें घूमेगा तो उसकी माल प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है, और उसके प्रेशर के कारण प्री मेचर अपचर और मेम्ब्रेन हो सकता हो जाता है, और प्री मेचर अपचर मेम्ब्रेन के कारण फीटर लेबर होता है, ठीक है, और ड्यूरिंग लेबर क्या क्या में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ड्यूरिंग लेबर हो सकता है जैसे अर्ली रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, ठीक है, कोड प्रोलैप्स हो सकता है, अगर अर्ली रप्चर हो गया तो कोड भी प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, तो वो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है जब कोड प्रोलैप्स हो जाए तो, और या फिर यूटेराइन इनर्शिया हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज ऑपरेटिव सिजेरियन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज या फिर शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। अब ड्यूरिंग मर्क्यूरियम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, ड्यूरिंग मर्क्यूरियम सब इन्वेशन ऑफ यूट्रस होगा, ठीक है, और जो मर्क्यूरियल मॉर्बिडिटी है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं मदर में। और फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि फीटस होगा जो प्री मेच्योर भी हो सकता है और उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है, इस वजह से उसमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट हम इसका करेंगे तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के लिए, कि सिम्टम्स से रिलीव करना है पेशेंट को, ठीक है, और कोज क्या है पॉलीहाइड्रामिनोज उसको फाइंड आउट करना, और जो दूसरी ओर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी वजह से तो उनसे प्रिवेंट करना, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कि मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है, उसके इन्वेस्टिगेशन करने सारे, जैसे ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड शुगर, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड, ये सब हमको करना है। उसके बाद में अगर फीटस एबनॉर्मल है, अगर फीटस एबनॉर्मल है तो उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, कि अगर पेशेंट में अगर रेस्पॉन्स आ रहा है ट्रीटमेंट का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और साथ में जो ट्रीटमेंट है वो देते रहेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट करते रहेंगे साथ साथ में जो भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है उनका, ठीक है, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते रहेंगे, जैसे एंडोमिथासिन देते हैं, ठीक है, और क्योंकि एंडोमिथासिन क्या होता है कि जो फ्लूड है उसका सिक्रीशन कम करता है, ठीक है, और जो और उसके बाद में अगर वर्सनिंग कंडीशन भी नहीं है, इस कंडीशन मतलब वर्सनिंग कंडीशन और ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं हो रही है तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, और फीटल मॉनिटरिंग करते रहते हैं कंटिन्यू थ्रू NST या फिर USG के थ्रू, CST के थ्रू कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग भी चलती है, और उसके बाद में प्रेगनेंसी बियॉन्ड 38 वीक पहुंच जाए तो हम डिलीवरी हम उसमें करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अगर मैटर, अगर मदर रेस्पॉन्स कर रही है ट्रीटमेंट का, मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है ज़्यादा तो। और अब हम देखते हैं कि अगर मदर डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, तो मदर डिस्ट्रेस की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले है तो एमनियो रिडक्शन करते हैं थ्रू एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, तो रिपीटेड एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं, उसमें एमनियोटिक फ्लूड कम करते रहेंगे, ठीक है, और प्रेगनेंसी को 38 वीक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 38 वीक पे उसको डिलीवर हम करवाएंगे, ठीक है, और अगर कोई ऑब्स्ट्रेक्टिकल कंडीशन है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो सिजेरियन सेक्शन कर देंगे उसका, ठीक है। और दूसरी साइड अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम फीटस की लाई प्रेजेंटेशन ये सब देखेंगे, ठीक है, और एमनियोसेंटेसिस करेंगे, ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप है वो स्टार्ट करेंगे ताकि इंडक्शन लेबर का इंडक्शन स्टार्ट हो सके, और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके उसका हम डिलीवरी करवाएंगे फीटस की, ठीक है। और अगर माल प्रेजेंटेशन है फीटस की तो उसमें सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये तो था अगर फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, और अगर दूसरी
उसे तब देखें कि अगर फिटस में एबनॉर्मलिटी कुछ है तो उस कंडीशन में उसमें क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसमें करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी कितने भी वीक की हो तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को, ठीक है, और थ्रू सर्वाइकल राइपनिंग, सर्वाइकल ओपनिंग, ठीक है, तो सर्वाइकल सर्विस को ओपन करके, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर मेंटेन करके उसको प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा पॉली हाइड्रामनोज या फिर हाइड्रामनोज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगो हाइड्रामनोज, मतलब अब इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका वॉल्यूम 200 से कम होना, ठीक है, 200 ml से कम होना एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम होता है ओलिगो हाइड्रामनोज की कंडीशन, ठीक है। और जो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है उसका लेस देन 5 सेंटीमीटर होना, एटियोलॉजी या कॉजेस क्या 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 हो सकते हैं इसके, कि जैसे फीटल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से जो ओलिगो हाइड्रामनोज होता है, फीटल जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि ट्रिप्लोइडी या ट्राइसोमी 18 या फिर टर्नर सिंड्रोम, तो इन सब की वजह से ओलिगो हाइड्रामनोज हो सकता है। और क्या हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ, अगर फिटस की इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई है तो ओलिगो हाइड्रामनोज हो सकता है। और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर रप्चर मेम्ब्रेन या फिर कुछ कोई फीटल इन्फेक्शन हुआ हो तो, ठीक है। और उसके अलावा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कुछ होती है फिटस में तो उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जैसे कि कार्डिक डिफेक्ट का कुछ कार्डिक डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि टेटोलॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है, ठीक है, या फिर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है उनमें ये कंडीशन होती है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ कंडीशन हो जैसे कि माइक्रोसिफेली है तो ऐसी कंडीशन भी कोज करती है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा डायफ्रामेटिक हर्निया हो फिटस में, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या फिर जनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट, कुछ जनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट तो ये मेन कोज होता है, ठीक है, क्योंकि ये 33-57% केसेस में ये मेन कोज होता है जनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि रीनल एजेनेसिस, ठीक है, रीनल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं हो फिटस में, या फिर रीनल डिस्प्लेसिया या फिर यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लैडर एक्सट्रोफी, तो ऐसे इन कंडीशन में ये कंडीशन हो सकती है ओलिगो हाइड्रामनोज, ठीक है, या फिर ब्लाइंड लिवर्स, या फिर इसको वेक्टर से हम समझ सकते हैं, तो वेक्टर से हम इसको रिमेम्बर याद कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर से वर्टेब्रल कोज हो गया, ठीक है, एनुअल कोज हो गया, कार्डियक, ठीक है, चीज को कार्डियक की फोर ट्रेक एसो फीचर, ठीक है, और आर मीन्स रीनल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, तो इस वेक्टर की वजह से हम इसकी कोज को याद कर सकते हैं। और दूसरा है मैटरनल कोज, तो मैटरनल क्या क्या कोज हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर टेंशन, प्रीएक्लेम्प्सिया, ठीक है, और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है, तो ये भी कोज करते हैं ओलिगो हाइड्रामनोज को, क्योंकि इनमें भी जो एमनियोटिक फ्लूड है उनका फॉर्मेशन कम होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स की कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि अब्रुक्ष प्लासेंटा में भी ये कंडीशन होती है। और कुछ मेन कोज इडियोपैथिक होते हैं, जो अननोन होते हैं, उनका हमें पता नहीं होता है क्या कोज है इसके पीछे, ठीक है। और कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे कि एम्ब्रियोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोरियोनिक मिलर सैंपलिंग, ठीक है, तो ऐसे जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं तो उनमें भी जो एम्ब्रियोटिक फ्लूड है वो कम हो सकता है।
कोड को रिमूव कर रहे हैं और उसमें भी जो कोरियोनिकेशन है उसमें कंडक्टिव फ्लूड है वो लीकेज हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ओलिगोहाइड्रामिनोज होता है। ठीक है, अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? तो डायग्नोसिस के लिए क्या होगा कि हमको दिखेगा कि फीमेल में जो यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल से भी कम होगा, जो भी नॉर्मल जेस्टेशनल एज है उससे कम होगा उसका यूट्रस का साइज, एब्डोमेन का साइज कम होगा। ठीक है, फीटल हार्ट फीटल की मूवमेंट है वो भी कम होगी। ठीक है, और जो फीटस है वो भी हमको थोड़ा मतलब उसकी जो हार्ट रेट है वो भी हमको थोड़ी कम सुनाई दे सकती है, क्योंकि वो यूट्रस है फीटस जो है वो वीक होगा उस वजह से। ठीक है, और फीटस मतलब जो भी यूट्रस का मोस्ट ऑफ पार्ट फीटस ही कवर करता है, इम्यूनिटी फूड उसमें कम होता है, तो फीटस से ही उसका जो यूट्रस का जो अंदर की जो सरफेस है वो सारी फीटस ही कवर कर लेता है यूट्रस में। ठीक है, और इसमें माल प्रेजेंटेशन भी कॉमन होता है फीटस का। ठीक है, और इंट्रा यूटेराइन फीटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होती है इसमें। ठीक है, तो ये सब हम यूएसजी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन जैसे अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर कोड एब्नॉर्मलिटी भी कोड कंप्रेशन हो सकता है, और हाई फीटल मोर्टेलिटी भी के चांसेस होते हैं, क्योंकि फीटस को जो अनहेल्दी फूड में जो भी न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाते फीटस को। ठीक है, और दूसरा है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है ड्यू टू इनर्सिया। ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव इंटरफेयर ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, और एंड इंक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी। और अब इसके ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में एम्बियो इन्फ्यूजन किया जाता है। ठीक है, ये इसका मेन ट्रीटमेंट होता है। तो एम्बियो इन्फ्यूजन किया जाता है विद 300 ml ऑफ वॉर्म सेलाइन सोल्यूशन। तो जो वॉर्म सेलाइन सोल्यूशन है उसको यूट्रस के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है 300 ml। ठीक है, अंडर द यूएसजी विजुअलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद में हम जो टर्म पे है फीटस की डिलीवरी करवाते हैं प्रीमैच्योर अप्सरों मेम्ब्रेन करके। ठीक है, अगर फीटस अगर डिस्ट्रेस की कंडीशन में है तो कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग चलेगी प्रेगनेंसी में। ठीक है, कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग चलेगी। ठीक है, और फीटर जो फीटस की प्रेजेंटेशन है उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, और जो वेजाइनल डिलीवरी है अगर पॉसिबल हो तो वेजाइनल डिलीवरी ही करवानी चाहिए। ठीक है, और सिजेरियन सेक्शन कब करवाया जा सकता है? मेनली सिचुएशन जैसे कि फीटल अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। ठीक है, और अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो वो इलेक्ट्रो जो फीटस की जो मॉनिटरिंग